पुलवामा हमले के बाद देशभक्ति की लौ में चल रहे हम, देश की हिफाजत में हमारी, आपकी सुरक्षा में हमारे जवान अपनी खुशियों की परवाह किए बिना रात दिन एक कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश आज अपने शहीद जवानों को नमन कर रहा है। है चिता सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी, भोर होगी क्या कभी यहां, पूछती यही ये बेड़ियां, देख तो कौन है ये। देश इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे सैनिकों की शहादत का सिलसिला जारी है। अभी भारत अपने 40 वीर सपूतों को धधकते दिल और नम आंखों से अंतिम विदाई दे भी नहीं पाया था। सेना अभी अपने इन वीरों के बलिदान को ठीक से नमन भी नहीं कर पाई थी। राष्ट्र अपने भीतर के घुटन भरे आक्रोश से उबर भी नहीं पाया था कि 18 फरवरी की सुबह फिर हमारे 5 जवानों की शहादत की एक और मनहूस खबर आई। जिहाद के खातिर एक आत्मघाती हमलावर ने सेना के काफिले पर इस फिदायीन हमले को अंजाम दिया। हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए कि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी लेता है बल्कि उस सुसाइड बॉम्बर का हमले के लिए किए जाने से पहले एक वीडियो भी रिलीज करता है। इंसानियत का इससे घिनौना चेहरा और क्या हो सकता है। इससे किसी को क्या हासिल हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना ने इतना तो साबित कर दिया कि बिना स्थानीय मदद के ऐसी किसी वारदात को अंजाम देना संभव नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत ने कब का दम तोड़ दिया। वो घाटी जो जन्नत हुआ करती थी वो आज केसर से नहीं लहू से लाल है। वो कश्मीर जो अपनी सूफी संस्कृति के लिए जाना जाता रहा आज आतंक का पर्याय बन चुका है। घाटी में आतंक का सिलसिला जो 1987 से शुरू हुआ वो अब निर्णायक दौर में है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों के खून की एक एक बूंद और हर आंख से गिरने वाले एक एक आंसू का ऐसा बदला लिया जाएगा कि विश्व इस न्यू इंडिया को महसूस करेगा। यानी इस बार आर पार की लड़ाई के पक्ष में है सभी, और ये सही भी है क्योंकि देश में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस समय जो देश का माहौल बना हुआ है वो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज देश की हर आंख नम है, हर दिल शहीदों के परिवार के दर्द को समझ रहा है, हर शीश उस माता पिता के आगे नतमस्तक है जिसने अपना जिगर का टुकड़ा भारत माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। हर हृदय कृतज्ञ है उस वीरांगना का जिसने अपनी मांग का सिंदूर देश को सौंप दिया। हर भारतवासी ऋणी है उस बालक का जो पिता के कंधों पर बैठने की उम्र में अपने पिता को कंधा दे रहा है। ये वाकई में एक नया भारत है जिसमें आज हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही है। ये एक अघोषित युद्ध का वो दौर है जिसमें हर व्यक्ति देशहित में अपना योगदान देने के लिए बेचैन है। कोई शहीदों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई अपनी एक महीने की तनख्वाह दे रहा है। आज देश की मनस्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश का बच्चा बच्चा और महिलाएं तक कह रही हैं कि हमें सीमा पर जाने दो, हम पाकिस्तान से बदला लेने को बेताब हैं। पूरा देश अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं बदला चाहता है। ये नए भारत की शक्ति ही है कि आज पाकिस्तान बैकफुट पर है। आज आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान सामाजिक रूप से भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, और रही सही कसर भारत के प्रधानमंत्री के बदला लेने के संकल्प के बाद 14 तारीख से लगातार भारत के हर गली कूचे में गूंजने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों ने उसको मनोवैज्ञानिक पराजय देकर पूरी कर दी। वो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से विश्व में आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर आज बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने दुश्मन की इस आधी पराजय को अपनी संपूर्ण विजय में बदलने का इससे श्रेष्ठ समय नहीं हो सकता। जब देश के हर बच्चे में सैनिक,
हर युवा में एक योद्धा और हर नारी में दुर्गा का रूप अवतरित हो। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रहे पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत को छिपाने की कवायद शुरू कर दी है। रविवार को इस्लामाबाद में विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने अफ्रीका और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के साथ बैठक की। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने इन देशों से पुलवामा हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बताया। मतलब साफ है कि भारत के एक्शन से डर गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने अफ्रीका और शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो उसे हमारे साथ साझा करना चाहिए, हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान बेचैन है। उसकी बेचैनी के पीछे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफटीएफ की ओर से ब्लैक लिस्टेड होने का डर है। पिछली बैठक में एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इस बैठक में भारत समेत दुनिया के अन्य देशों ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों द्वारा धन उगाही और बैंकिंग सिस्टम के उपयोग करने के सबूत पेश किए थे। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो वो आर्थिक मोर्चे पर और गिर जाएगा। इस्लामाबाद में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने ट्वीट में लिखा, एससीओ से जुड़े दूतों के साथ आज की बातचीत में जांजुआ ने कहा कि ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद पाकिस्तान को दोषी ठहराना भारत की पुरानी आदत है। शनिवार को भी विदेश सचिव ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के साथ बैठक की थी। रविवार को पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमले से थोड़े समय के भीतर ही बिना किसी जांच के भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगा दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो उसे हमारे साथ साझा करना चाहिए, हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जर्मनी, हंगरी, इटली, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और भूटान समेत 25 देशों के साथ बैठक की थी। वहीं अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सऊदी अरब, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश समेत कई देशों ने हमले की निंदा की थी। अमेरिका ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लेते हुए उसे कड़ी चेतावनी दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान से कहता है कि वो अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले ऐसे सभी आतंकवादी संगठनों को समर्थन और पनाह देना तुरंत बंद करे जिनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र में अव्यवस्था, हिंसा और आतंक फैलाना है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले का दर्द शायद ही कभी कम हो, लेकिन अभी भी देश में गुस्सा, आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। वजह भी साफ है कि इस बार ही नहीं, पहले भी हम अपने जवानों को खो चुके हैं, पहले भी आतंकियों ने हमारे देश को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब कब पुलवामा पर आतंकियों ने अपने नापाक इरादे पूरा करने की कोशिश की है। सब इसको करते प्रणाम, शेष तो यहाँ झुका झुका यशस्वी।
पुलवामा जिला गुरुवार को हुए आतंकी हमले में एक बार फिर से दहला था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान मारे गए। आतंकियों ने जवानों के काफिले पर आईईडी धमाका कर ये हमला किया था। पुलवामा बारामुल्ला से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारामुल्ला को 24 जनवरी 2018 को आतंकी जिला घोषित किया गया था। इसके अलावा बारामुल्ला श्रीनगर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में 8 तहसील आती है, जिसमें पुलवामा, त्राल, अवंतीपुरा, पंपोर, राजपुरा, नित्तर, काकापुरा और आरिपाल आता है। जहां तक यहां पर आतंकी हमले की बात है, तो पूरे राज्य की इस तरह जिले में भी सुरक्षा बल हमेशा से ही निशाने पर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलवामा में इस साल में हुआ ये पहला हमला है। हालांकि इससे पहले अगर पिछले 3 सालों पर नजर डालें, जुलाई 2018 में आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के घर के बाहर बनी एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। मई 2018 में रमजान के महीने में इस जिले के काकापुरा में स्थित आर्मी कैंप पर हमला किया गया था। इसमें एक जवान शहीद हो गया था। आमने सामने की फायरिंग के दौरान इस हमले में एक नागरिक भी मारा गया था। यह हमला उस वक्त किया गया जब रमजान के मौके पर सरकार ने सीज फायर का ऐलान किया था। सितंबर 2016 में आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस हमले में एक आतंकी को मार गिराया गया था। जुलाई 2016 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए एक आतंकी हमले में 4 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए थे। सीआरपीएफ का ये कैंप लित्तर में स्थित है। इसके अलावा बुनेरा में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया था। मई 2016 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर पर हमले के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अगस्त 2016 में आतंकियों ने अवंतीपुरा एयरफोर्स बेस के कुछ दूरी पर हुए आतंकी हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया जब एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद जवानों की अदला बदली चल रही थी। मार्च 2016 में हुए आतंकी हमले में सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं पुलवामा हमले के बाद से पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की लहर है। पूरा हिंदुस्तान अब बस यही कह रहा है, हमें बदला चाहिए। हालांकि सरकार ने भी पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सरकार पर कार्रवाई करने के बढ़ते दबाव के बीच रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के साथ सैन्य कदम उठाकर सबक सिखाने की जरूरत है। फिलहाल गुस्से में देश उबल रहा है। देश बस यही गुहार लगा रहा है कि अब एक्शन का समय है। हालांकि कहीं न कहीं पाक भी भारत के एक्शन से डरा सहमा है, लेकिन अब बात से बात बनने का समय निकल चुका है। अब देश को आतंकवाद से जड़ से मिटाना है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। पुलवामा हमले के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों का गुस्सा चरम पर है। पूरी दुनिया ने अब तक भारत का संयम देखा है, धैर्य देखा है। अब वही विश्व बिरादरी पुलवामा हमले के बाद भारत के गुस्से का प्रदर्शन भी देख रही है। यही वजह है कि 14 फरवरी के बाद से ही कई देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। तो वहीं न्यूजीलैंड ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी संसद में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर निंदा कर प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। फिर चाहे वह कूटनीतिक तौर पर हो या फिर सीधे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हो, भारत की इस मुहिम का साथ दुनिया के कई देशों ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलवामा हमले के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोगों का गुस्सा चरम पर है। पूरी दुनिया ने अब तक भारत का संयम देखा है, धैर्य देखा है। अब वही विश्व बिरादरी पुलवामा हमले के बाद भारत के गुस्से का प्रदर्शन भी देख रहा है।
यही वजह है कि 14 फरवरी के बाद से ही कई देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। समर्थन अमेरिका से भी आया है, जहां से उम्मीद कम थी, क्योंकि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि अब अमेरिका दुनिया को उसके हाल पर छोड़ देगा। लेकिन पुलवामा हमले ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी अपने बयान से मुकरने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा अटैक को भयावह स्थिति करार दिया है। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद की आतंकी करतूत से पैदा हालात को भयावह करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने इस हमले को देखा है, मेरे पास इस संबंध में कई रिपोर्ट्स आई हैं, हमें इस पर एक बयान जारी करना होगा। ट्रंप के इस बयान के अलावा विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पेलाडिनो ने हमले के बाद भारत के लिए मजबूत समर्थन जताया है और पाकिस्तान से कहा है कि 14 फरवरी के हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हो उन्हें सजा दें। अमेरिका भारत सरकार से इस मामले में संवाद कायम किए हुए हैं। हम सिर्फ शोक प्रकट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मजबूत समर्थन के लिए हैं। वहीं भारत के फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंड्रे जिगलन ने कहा कि फ्रांस जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करता है और वह अपने रणनीतिक सहयोगी भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं भारत को सबसे मजबूत समर्थन इजराइल से मिला है। इजराइल ने भारत को विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए बिना शर्त मदद पेशकश करते हुए जोर दिया है कि उसकी सहायता की कोई सीमा नहीं है। इजराइल का यह आश्वासन इस बढ़ती मांग को देखते हुए खासा महत्वपूर्ण है कि सरकार आतंकी हमलों से निपटने की इजरायली तरीके पर विचार करे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। गुतारेस ने कहा कि दोनों पक्षों को संयम बरतने और आपसी तनाव दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो ये वैश्विक संस्था उनके बीच मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। इन सब के इधर सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरेगा, इसके लिए गृह मंत्रालय नया डोजिया तैयार कर रहा है, जिसे सभी देशों मौजूद भारत के दूतावासों में भेजा जाएगा, जहां पर भारत के दूत पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करेंगे। अजय बिसारिया के साथ हुई मुलाकात में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अजय बिसारिया ने नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी के सदस्यों से बैठक की, प्रधानमंत्री से उनके मुलाकात हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि भारत पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं देगा, जबकि दुनिया के देशों के सामने उसे बेनकाब करेगा। और शायद वक्त की भी यही मांग है, क्योंकि पूरे देश से उठ रही आवाजों में ज्यादातर आवाजें पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली ही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़। तो ये पाक के इस नापाक हरकत के बाद से पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की अमेरिका, रूस और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की है। सभी देशों ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह भारत के साथ है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को भीषण करार देते हुए कहा है कि हमें इस मामले पर कई रिपोर्ट्स मिली हैं और हम इस मामले पर जल्द ही आधिकारिक बयान देंगे। तो वहीं रूसी दूतावास ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे मानवीय घटना से निपटने के लिए सभी को बिना किसी दोहरे रवैये के साथ आना होगा। अमेरिका और रूस की तरह ही फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चेक रिपब्लिक के साथ ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे कि साफ हो गया है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब चाहे पाकिस्तान कितना ही ढोंग क्यों ना कर ले, उसके नापाक इरादे सबके सामने हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।